चारधाम यात्रा जैसे ही शुरू हुई बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति कुछ लोगों को नगाड़ा बजाने से रोक रहा है, वो मना कर रहा है कि ये सब मत कीजिए यहाँ पर। और इसके बाद सोशल मीडिया एकदम दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। कई लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें क्यों हो रही है, तो कई लोग जो है वो कह रहे हैं कि आखिर एक व्यक्ति ऐसे किसी को क्यों डांट सकता है, हर किसी को क्यों करता है। और इन सबके बीच में सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या सही क्या गलत। अब मैं कुछ सही या गलत बताने के लिए नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं और हिमालय क्षेत्र की बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील जो ये क्षेत्र है, खासतौर पर अगर हम केदार घाटी की बात करें तो इससे पहले भी आप देख चुके हैं कि बड़ी आपदा वहां पर आई है, और उस आपदा के बाद किस तरह का पूरा मंजर था, किस तरह से स्थिति पूरी बिगड़ गई थी और कितना समय दोबारा केदारनाथ को खड़ा होने में लगा, ये सबको पता है, ये किसी से छिपा नहीं है। अब अगर हम बात करें वहां पर एक व्यक्ति अगर नगाड़ा बजा रहा है तो ठीक है, लेकिन उसी जगह अगर हम बात करें कि 10-15 लोग नगाड़े बजा रहे हैं, बहुत तेजी से वहां पे हल्ला हो रहा है, और वैसे ही वो घाटी जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो एक तरह से कहें तो सॉफ्ट घाटी है, और हिमालय का उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वो तो बिल्कुल ज्यादा सॉफ्ट माना जाता है। और ऐसे में अगर बहुत ज्यादा हल्ला हो, बहुत ज्यादा परेशानी हो, तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति उन लोगों को डांटते हुए नजर आया, जिसने उनको नगाड़ा फेंका, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल हो सकता है, मैं पूरी तरह से इस बात की जानकारी नहीं है मेरे पास ना मैं दे रहा हूं, हो सकता है कि उसने समझाने की कोशिश की हो, उन्होंने बताने की कोशिश की हो कि ये सब यहाँ पर मत कीजिए, और इन्होंने जब नहीं माना तो आखिर में विवश होकर उन्होंने इस तरह की घटना की, या फिर हो सकता है कि उन्होंने किसी से बात ही ना की हो और उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि ऐसा मत कीजिए, नगाड़े फेंक दिया, उन्हें धमकाना शुरू कर दिया, कह दिया कि आप मुझसे परमिशन लीजिए या हमसे परमिशन लीजिए, ये सब चीजें उन्होंने कह दी। लेकिन इन सबके बीच में एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। मंदिर समिति, जो बद्री केदार मंदिर समिति है, श्री बद्री केदार मंदिर समिति, वो क्यों ध्यान नहीं दे रही है? क्या सिर्फ बातें कर लेने से, सिर्फ ये कह लेने से कि हम सब कुछ कर रहे हैं, क्या सब कुछ हो रहा है? एकाएक इतनी बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, व्यवस्था पूरी तरह से डगमगा रखी है, और ऊपर से इस तरह के वीडियो सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति के वीडियो नहीं है, ये पूरे के पूरे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भगवान केदारनाथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप श्रद्धालुओं के साथ ऐसा करते हैं तो आप आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए एक उदाहरण सा पेश कर देते हैं कि देखिए वहां पर ऐसा हो रहा है, तो उन चीजों से बचना चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अगर श्रद्धालु आ रहे हैं तो उन्हें भी समझना चाहिए कि बाबा केदार की घाटी को सेल्फी पॉइंट नहीं है, आप वहां पर आ रहे हैं सेल्फी खिंचा रहे हैं। पिछले साल तो ऐसे ऐसे वीडियो आई थी जो बहुत ज्यादा चिंता का विषय बन गई थी, कोई वहां पर जाके प्रपोज कर रहा था, कोई वहां पे कुत्ता घुमा रहा था, ये सब नहीं। आप बाबा केदार के घर पे जा रहे हैं, अगर आप अपने मोबाइल को बमुश्किल से 15 से 20 मिनट भी अगर बंद कर दें तो आप सोचिए कि आप उनके दर पर हैं, क्योंकि आप दर्शन के लिए आ रहे हैं। और अगर आप हल्ला ना करें, बिल्कुल आप ये सब कीजिए, आप ये सब ऋषिकेश में कीजिए, हरिद्वार में कीजिए, कि हम शुरुआत कर रहे हैं यात्रा की, आप वहां पर पहुंच के तेज तेज नगाड़े बजा रहे हैं, वहां पर पहुंच के लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। उसी तरफ मंदिर समिति को भी समझना चाहिए कि वो लोग यात्री है, उन्हें समझाइए, प्यार से बताइए, उन्हें बताइए कि हमारे रीति रिवाज क्या है। खासतौर पर लोगों को आपके रीति रिवाजों के बारे में पता नहीं है, क्योंकि आपने लोगों को बताया ही नहीं है कि उत्तराखंड के रीति रिवाज क्या है, उत्तराखंड में गोल गबरा क्या चीज है, ये कुछ तो आप लोगों को बताया ही नहीं है। आप सीधे तौर पर लोगों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, हमारे पारंपरिक जो गोल गबरा है हम उनको बजाते हैं, कौन से गोल गबरा, कितने लोग उन्हें आप जानते हैं, कितने लोग उन्हें, खुद उत्तराखंड के लोग उन्हें नहीं पहचान रहे, तो आप ये सब चीज कीजिए। एकाएक उग्र होने की जरूरत नहीं है, लोगों को समझाने की जरूरत, अभी तो यात्रा शुरू हुई है, शुरुआत ही अगर देखें तो 30-35 लाख अभी आज जितने मैं वीडियो बना रहा हूँ लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, यानी कि ये संख्या बहुत ज्यादा जाने वाली है। लगभग अगर उम्मीद लगाई जाए तो इस बार 20-30 लाख लोग सिर्फ बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं, तो आप लोगों को शांत रहने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग घराती हैं, और जो लोग आ रहे हैं उनकी इज्जत कीजिए, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए कि उत्तराखंड क्या है, और सभी मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे तभी जो है यात्रा सफल होगी, और आने वाले दिनों में जो ये चैलेंज है उन चैलेंजों से भी पार पाया जा सके।